मऊ मोहम्मदाबाद के दतौली गांव में प्रधान व सचिव की मिलीभगत से राज्य वित्त में लाखों रुपए के बंदरबांट का मामला सामने आया है। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा दतौली में प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत से राज्य वित्त में लाखों रुपए का बंदरबांट किया गया है। इस संबंध में जब जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव की जांच कराई जाएगी, अगर अनियमितता मिली तो रिकवरी के साथ साथ सचिव एवं प्रधान के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। जानकारी के अनुसार मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के दतौली गांव में प्रधान एवं सचिव ने 2021-22 में राज्य वित्त में आए धनराशि रिपोर्ट पर लाखों रुपए, वहीं स्ट्रीट लाइट पर भी लाखों रुपए का फर्जी भुगतान करा लिया। यही हाल मनरेगा का भी है, फर्जी पोखरे पर वृक्षारोपण करके लाखों रुपए का भुगतान कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य होंगे। हम इस समय जिला पंचायत अधिकारी अभिषेक शुक्ला से बात करेंगे। मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा दतौली है, जहाँ 21-22 में स्ट्रीट लाइट को लेकर स्ट्रीट लाइट और रिबोर्ट पे लगभग जो है लाखों रुपए का भुगतान फर्जी किया गया है। इस संबंध में बात करेंगे। ये बताइए कि दतौली गांव में मोहम्मदाबाद ब्लॉक है, वहाँ जो है लाखों रुपए का 5 लाख से ऊपर दोनों में मिला करके फर्जी भुगतान लाइट और स्ट्रीट लाइट में किया गया है, और शौचालय में नहीं, इसमें होम पाइप वगैरह है, इसमें क्या कहेंगे जी? मेरे द्वारा भी अभी जितने भुगतान हुए हैं उनकी लिस्टिंग की जा रही है और जांच कमेटी बनाकर विदिन 3 दिन में हम इस भुगतान प्रक्रिया को और जो मौके पर पाए जाएंगे राइटिंग की लिस्टिंग कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। रिवोर में भी काफ़ी लाखों रुपये का भुगतान कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जितना भुगतान कराएगा उसके अनुसार जो है मतलब रिवोर नहीं हुआ है। रिवोर में शासन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है कि रिवोर पर धन का दुरुपयोग ज़्यादा स्तर पर हो रहा है, तो इस संदर्भ में हम रिवोर पे भी लिस्टिंग करा के किस नल का रिवोर कितना किया गया, मतलब उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हम कराएंगे, तभी उसके लिए जो उतना होगा। अगर अनियमितता मिलती है तो कार्रवाई क्या? हाँ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अनियमितता अगर मिलती है तो उनके खिलाफ रिकवरी और FIR का भी आदेश करेंगे। सिर्फ किस बात कहना है कि अनियमितता मिलती है तो प्राथमिकी दर्ज कराएगी और रिकवरी की जाएगी।